Assalamualaikum, my beautiful and generous people. I hope you guys are fine. You guys are doing good. आज हमारे किचन में मैं बना रही थी बर्गर. कभी कभारी मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ आज अपने बर्गर की रेसिपी शेयर करूँ. सो आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यू गाइज हैव टू टेक, आपने एक बड़े से बोल में 3 से 4 कप पानी डालेंगे, ठीक है. और उसके अंदर आप आधा कप, ठीक है, जो आपने नॉर्मल कप लिया ना, आधा कप आप सिरका ऐड करेंगे. 3 कप पानी के अंदर आधा कप सिरका ऐड करेंगे और एक बड़ी चम्मच नमक की भर के ऐड कर देंगे. फिर आपने ऐसा करना है कि आपने चिकन लेना है. आप मुर्गी वाले से अगर कहें कि आपको ऐसा चिकन दे जो बगैर हड्डी के होती है, बोटी बर्गर में लगानी है, तो वो आपको वही वाली बोटियां देगा जो विंग्स के लिए, जो जिंगर के लिए यूज करते हैं ऐसे, ठीक है. आपने उस पानी में भिगो के कम अज कम 1.5-2 घंटे तक रख देना है. उसके बाद उसकी हालत कुछ ऐसी थोड़ी माठी सी हो जाएगी सिरके की वजह से, वो थोड़ा सा गल जाएगा. अब आपने इसमें अपने सारे स्पाइसेस मसाले ऐड करने हैं. आप नमक ऐड करें, ठीक है, सूखा धनिया ऐड करें, हल्दी ऐड करें, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें जिसे दरफल मिर्च भी कहते हैं, दूसरी सुर्ख मिर्च ऐड करें, उसके अलावा काली मिर्च ऐड कर लें. उसके बाद आप थोड़ा सा गर्म मसाला, चाट का मसाला भी ऐड कर लें और अदरक और लहसुन का पाउडर ऐड कर लें एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है. आपने इस सारे मसाले को, बोटियों को अच्छे से मिक्स करके कम से कम 2-3 घंटे के लिए रख देना है. अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी घंटा तो लाजमी रखें, ठीक है. अगर पूरी रात आप रखते हैं तो ये बहुत मजेदार सी जो है ना स्पाइसी सी हो जाएंगी. आपने अच्छे तरीके से इसे फ्रिज में रख दिया. ऑन द अदर साइड आपने क्या करना है कि 3 कप चाय वाले, 3 कप आपने मैदा लेना है और 2 कप कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर जो होता है, ठीक है, सफेद सा एक पाउडर है, तो आपने वो लेना है. 3 कप मैदा, 2 कप कॉर्नफ्लावर और आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें नमक थोड़ा डाल लें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, थोड़ा सा हल्दी डाल लें, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाल लें, ताकि ये जो कोटिंग है ना, जो बोटियों के ऊपर एक कवर सा चढ़ेगा, वो भी मसाले वाली हो जाए, ठीक हो गया. अब आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसको मिक्सचर को मिक्स कर लेना है. फिर आपके सामने जो बोटियां पड़ी हैं, चिकन के पीसेज हैं जो हमने 2-2.5 घंटे कम से कम उसको मैरिनेट किया था, आपने एक पीस को उठाना है. अभी मैं आपको ये प्रोसेस भी करके दिखाती हूं. आपके हाथ की जो हथेली है ना, हाथ की हथेली, उससे हल्के हाथों से आपने बोटी मैदे के अंदर ये कॉर्नफ्लावर वाले पाउडर के अंदर रख के उसके ऊपर आपने कह लें कि उसे जैसे बोटी को ना इस पाउडर में आपने अच्छे तरीके से मिलाना है. हल्के हाथ से, हाथ की हथेली से आपने इसको सारी सब साइड से ऊपर नीचे इसको प्रेस करना है, ताकि ये थोड़ी सी बोटी ना थोड़ी फ्लैट हो जाए, मजीद थोड़ी पतली हो जाए. लेकिन आपने ध्यान बहुत रखना है, इतनी भी ताकत नहीं लगानी कि चिकन के पीस मजीद ही पीस हो जाए, क्योंकि ये सिरके में रखने की वजह से ना काफी ज्यादा नरम हो चुकी होती है, तो इसकी हालत जरा नाजुक होती है. जरा प्यार से ट्रीट करना है, आपने जरा थोड़ा इसको प्रेस करना है, ठीक है, ताकि थोड़ा इस पर कोटिंग अच्छी सी हो जाए. ऊपर नीचे आपने इसे कोट करना है. फिर आपने कोई सा भी पानी, एक बॉल पानी का भर लेना है. आपने उस बोटी के उसके अंदर डिप करके बाहर निकालना है, ठीक हो गया. ऐसे ही पानी से निकालने के बाद दोबारा आपने उसे उस मैदे और कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में दोबारा से बोटी को डालना है. ऊपर नीचे साइड चेंज करके आपने दोनों तरफ हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए उसको प्रेस करना है कि मसाला अच्छे तरीके से ना उसमें रच बस जाए. ऐसे ही आपने अपने सारे जो चिकन के पीसेज है उनको रेडी कर लेना है. और फिर आपने क्या करना है जी, कि आप इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे, ठीक है. ऐसे ही आप 1 by 1 सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे. दोबारा से भी मैं करके दिखा रही हूं कि आप अच्छे तरीके से बोटियों को मैदे के मिक्सचर में डाल के हाथ से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर लगा के, और फिर आप उसे पानी में डिप करें और दोबारा से डबल कोटिंग तब करते हैं कि जो है ना मसाला जब हम फ्राई करेंगे इन विंग्स को, बोटियों को, तो ये उसका जो ऊपर मसाला है वो उतरेगा नहीं. तो आपने अक्सर देखा होगा बाजार से हम जिंगर वगैरह मंगवाते हैं तो उस पे गोश्त अंदर होता है लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी मोटी सी झिल्ली, एक तय सी चढ़ी होती है. वो इसीलिए इतनी जबरदस्त कोट होती है क्योंकि वो 2 दफा इस कोटिंग को करते हैं. उसके बाद आप सारी 4-5 जो है ना पीसेस रेडी करके रख लें. फिर आप उसको ऑयल पे फ्राई कर लें, ठीक है, थोड़ी सी जो है ना लाइट सी आंच रखें, दरमियानी सी, और थोड़ी देर बाद आप थोड़ी सी तेज भी कर सकते हैं. तो आप 10 मिनट तक मतलब साइड चेंज कर करके आप उन्हें फ्राई करें. अब जब आपने क्या करना है, तीसरा काम, बाजार से जो सॉस मिलती है ठीक ठाक महंगी होती है, तो आप उस सॉस को घर पे बना लें
आपने क्या करना है जी, आपने मायोनीज लेनी है, मायोनीज के साथ आपने केचप को मिक्स करना है, दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेके मिक्स करके तो यू आर गुड टू गो। आपकी बहुत मजेदार सी जो है ना सॉस बन जाती है। अब आप बाजार से जो बर्गर मिलते हैं बन वाले, आप उन्हें कह सकते हैं कि जो जिंगर के लिए यूज होते हैं, छोटे साइज का भी बर्गर है, बड़ा भी हमने छोटा ही मंगवाया था, एक पैकेट में दो होते हैं, ठीक है। तो आप वो बर्गर के बर्गर ले लें, उसे आप दोनों साइड हल्की हल्की ना उसे तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लें, सेक लें, उसके बाद आप इस पे ये सॉस लगाएं। अगर आपके पास आपको पसंद है प्याज टमाटर का सैलेड बना के लगाना, या आपके पास कौन सी गोभी होती है यार, हाँ बंद गोभी, यस फूल वाली, नो बंद गोभी, बंद गोभी के पत्ते हैं, सैलेड के पत्ते हैं सलाद के, वो लगा लें, उसके ऊपर आप अपना पीस रख लें जो जिंगर का है, उसके ऊपर दोबारा सॉस लगा लें एंड You are good to go। इस बर्गर को enjoy करें, बहुत मजेदार बनता है। I hope आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वैसे मेरी नहीं है, मैंने रूबीज किचन एक चैनल है वहां से देखा था, बड़ी जबरदस्त उनकी रेसिपी थी, मैंने ट्राई की एंड इट वेंट आउट सो वेल, बड़ी तारीफें हुई, वैसे कम ही होती है लेकिन इस रेसिपी में मेरी काफी तारीफ हुई मेरे घर वालों से। तो महीने में हम एक दफा जरूर ये बना के खाते हैं, बेशक वजन जितना भी बढ़ जाए लेकिन भाई दिल है पाकिस्तानी, तो आप भी जरूर बनाएं, इसको ट्राई करें, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके घर वालों को कितनी पसंद आई है। एंड आई गारंटी अगर आप यही सारी टिप्स फॉलो करके बनाएंगे बड़ी मजेदार बनेगी। और मेरा चैनल कुकिंग का नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो आपके साथ शेयर की कि हमने आज घर में क्या किया। सो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपको जजा दे, जिंदगी को एंजॉय करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह मजीद देगा। अस्सलाम वालेकुम।